हेलो। सबसे पहले आपकी एज बता दीजिए मुझे। मेरी एज अभी 22 है। 22 है। और आप क्या करते हैं, क्या वर्किंग है आपका? मेरा अभी एमबीए चल रहा है। एमबीए चल रहा है, स्टडी चल रही है। हाँ जी, स्टडी। पूजा जी, आपकी जो फॉर्म है, पहली बात हम आपको इसके बारे में क्या रूपरेटे बारे में पता कैसे चला? मुझे मेरे भैया से पता चला, वो यहाँ पे आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको भी बैक पेन था जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा करते हैं, मतलब था। तो प्रॉब्लम क्या थी एक्चुअली, आपको क्या होता था और कब से हो रहा था सब चीज़? मुझे एक्चुअली 2 मंथ से हो रहा था, हम तो मेरे को 1 ईयर से आ गया था जब लॉकडाउन था, बट पेन मुझे 2 महीने से होने लगा था जी। और उसके बाद मुझे फिर मॉम डैड ने बताया, वो आपके पास आए थे, उन्होंने बताया कि आपने बोला है कि पिल्लो वगैरह नहीं लगाने जी, तो उसके बाद मैंने पिल्लो लगाना छोड़ दिया और फिर आपके पास आई तो जी। यहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग थी, पेन होता था, जब सोती थी तो घबराहट होती थी, अच्छा, नींद नहीं आती थी रात भर, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो जैसे हमने सेशन रेकमेंड किया अभी प्रॉब्लम के हिसाब से, मॉम डैड को भी 5-5 किए थे, आपके भी 5 सेशन किए, बट किसी रीज़न की वजह से अभी 3 आज कंप्लीट है। आई होप कि 2 सेशन जो है आपके अभी नेक्स्ट वीक में कम हो जाएगा। तो अभी बिफोर एंड आफ्टर में क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि पहला और अभी में क्या लग रहा है? क्या पहले काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, पेन, ये वाला जो एरिया है ना पूरा, ये शोल्डर ये जो रहता था सूजा ही रहता था, ये तो अभी काफी वो सूजन स्वेलिंग चली गई है और पेन भी कम हो गया है, नींद अच्छी आने लगी है। नींद अच्छी आने लगी कि मतलब वो जो घबराहट होती थी, मतलब नींद नहीं आती थी पेन की वजह से, फिर वो घबराहट स्टार्ट हो जाती थी, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं है, अभी मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। और पहले बैक पेन भी था, तो उसकी वजह से मैंने सेशंस लिए और मेरा बैक पेन भी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारा आपका अच्छा रहा आपके साथ में? बहुत अच्छा। एक चीज और पूछूंगा पूजा जी, जनरली कई बार ये देखा कि जो लेडीज होते हैं डरते हैं ट्रीटमेंट के टाइम पर, वो पूछते हैं कि कोई साइड इफेक्ट या कोई तरीके का पेन या ट्रीटमेंट करते टाइम पेन, तो जिस दिन पहले दिन आए या एडजस्टमेंट करते टाइम कोई पेन ऐसा लगता है कि पेन होता है? नहीं, किसी मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि पेन वगैरह, वो तो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ऐसा देखा है कि भाई कई बार हमने देखा है लेडीज में ज्यादा करके कि जब थोड़ा प्रेशर ज्यादा देते हैं मसाज को तो मसल्स रिएक्ट करता है, मसल्स पेन करता है, बट वो एक दिन ही रहता है और नेक्स्ट डे काफ़ी फिर बेटर हो जाता है, क्योंकि जनरली थोड़ा मसाज के बाद में थोड़ा सा पेन होता है। तो किसी तरीके जब से ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट इसके आपको कोई लगे कभी ऐसा कि साइड इफेक्ट हुआ मुझे? हाँ, थोड़ा सा पेन है, मसल पेन है, मसल वो तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी तो और कोई पेन नहीं हुआ। जो लेके आए थे वो पेन तो नहीं, वो वाला ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। तो ओवर एक्सपीरियंस आपका, अगर मैं परसेंटेज पूछूं 100 में से क्या रेटिंग देंगे आप? 100 में से 99.9 1% वो 2 सेशन कराने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप कि वो भी आएंगे। माइंड में पता नहीं आपके क्या है, बट अभी वक्त को लेके, टाइम को लेके कि ये चीज़ें ऐसी है, फिजिकली ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा पेशेंट लेवल होना चाहिए। हम पेशेंट सबको 5 to 7 days में ठीक करते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन में ठीक, उनको मसल इशू नहीं होता, बट आपको मसल है इशू, हम्प काफ़ी हुआ है और ये सडनली नहीं हुआ है, बिल्कुल 1 साल जैसे बता रहे लॉकडाउन की वजह से हुआ है। कि आप, आई होप कि आगे फ्यूचर में नेक के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, वर्क करते टाइम, डेस्क पर बैठने टाइम जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो आपको कंटिन्यूस रखनी है, पिलू लेके नहीं सोना है, 1 साइड टर्न लेके उठना है, 1 साइड टर्न लेके ही सोना है, कर्व स्ट्रेट नहीं उठना है, जग से बचना है, साइकिलिंग, स्विमिंग या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज आप बिल्कुल करना चाहिए, वेट बढ़े ना, ये सब चीज़ को कंट्रोल में रखना है, जंक फूड नहीं खाने, स्पेशली जो आपके मम्मी ने मुझे बताया है कि पिज़्ज़ा बर्गर से थोड़ा दूर रहना है, कभी कभार महीने में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, सो मच मैम आपका जो फीडबैक के लिए, कि आई होप कि आपके भी रेफरेंस या जो आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको ऐसी तकलीफ, क्योंकि आजकल सबको हो रही है और बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को अवेयरनेस नहीं इसके बारे में, कैरोप्रैक्टिक के बारे में, लोगों को पता चले कि बिना दवाइयों के भी इलाज होता है, बिना सर्जरी के भी दवाई इलाज होता है। और हमारा पूरा स्टाफ कैसा रहा, कोई तकलीफ किसी तरीके नहीं, से स्टाफ भी बहुत अच्छा है, काफी कोई तकलीफ नहीं, काफी फ्रेंडली स्टाफ है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा जी। अभी वैसे आपके मॉम और डैड को हमने नेक्स्ट मंथ बुलाया है और आपके 2 सेशन बाकी, इसके कंप्लीट होने के बाद ही हम अगले महीने के बाद एक सेशन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उसके बाद ये 5 डेज ऐसे कंटिन्यूस है, उसके बाद सिर्फ 1-1.5 महीने में 1 बार आना होता है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा जी आपका फीडबैक देने के लिए।